कैसे हैं आप लोग। रिजी इजी किचन में वेलकम करती हूँ आप सबको। चलिए फ्रेंड्स, आज हम मज़ेदार सी मैंगो चटनी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। ये मेरे पास देखिए 2 अदद कच्चे आम थे, दरमियाने साइज़ के थे, बहुत ना बड़े थे ना बहुत छोटे थे, उनको मैंने ऐसे स्लाइसिस में काट लिया है। तो ये 2 आम हो गए कच्चे हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखिए 4 अदद मैंने लहसुन के जवे लेके फ्रेश, उनको बारीक बारीक ऐसे काट लिया है। और 1 टीस्पून मैंने वो जिंजर ले ली है, उसको मैंने ऐसे श्रेड कर लिया है बारीक बारीक। ये हो गई, ये जाएगी इसके अंदर। 1 कप शुगर है जो मैंने नाप के रखी हुई है, ये है जाएगा हमारी चटनी में। सवा कप मेरे पास देखिए विनीगर है, वाइट विनीगर जो होता है, 1 कप और 2 टेबलस्पून और, ये जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद देखिए, ये यहाँ पे मेरे पास 4 अदद सूखी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून कलौंजी है और 1 टीस्पून वाइट सेसमी सीड है, ये जाएगा इसके अंदर। और हमारा 1/2 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट और चुटकी भर इसके अंदर फूड कलर जाएगा, ये देखिए। तो चलिए, हमने पैन रख दिया अपना और चूल्हे को हम अपने ऑन करते हैं और अपनी मैंगो चटनी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत मज़े की बनती है। इसको आप बना के रख लीजिए, मैंगो का सीज़न है और आप इसको पराठे के साथ सुबह नाश्ते में, या आप दाल चावल बनाइए या कोई भी ऐसी आलू का पराठा बनाइए उसके साथ खाइए, बहुत ही मज़े की ये लगती है। और ये काफ़ी दिन तक इसको आप बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता और इसके अंदर विनीगर होता है, तो ये ख़राब नहीं होती। और अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख के भी ये काफ़ी महीने से भी कहीं ज़्यादा ये चल जाती है, ख़राब नहीं होगी आपकी। तो चलिए, सबसे पहले हमने चूल्हा देखिए ऑन कर दिया। अब हम सबसे पहले इसके अंदर अपने मैंगो जो मैंने काट के रखे हुए हैं उनको डालते हैं सारे। ये देखिए चले गए हमारे मैंगो चले गए। अब इसके अंदर मैं देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर मैंगो डाल दिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे शक्कर डाल दी, 1 कप शक्कर चली गई इसके अंदर हमारी, हमारा जो 1/4 कप वाइट विनीगर है सफ़ेद सिरका, ये चला गया हमारा इसके अंदर सारा। अच्छा, चूल्हा हम मीडियम पे रखेंगे अपना। अब ये हमारी गार्लिक और जिंजर, ये चला गया हमारा इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर ये जो साबुत मैंने चार अदद मिर्चें ली हैं, ये भी हम डाल देंगे। इसे हम 2-2 कर लेंगे ऐसे बीच में से तोड़ के, जो बड़ी है उसे 2 कर लीजिए बीच में से ऐसे। और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे, बस ये चला गया हमारा। और अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम पकने के लिए रख देंगे। अभी हमने इसके अंदर कलौंजी और जो सेसमी सीड थे हमारे वाइट वाले, वो हमने इसके अंदर नहीं डाला है। और इसी के साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा जो जर्दे का रंग होता है वो समझिए पिंच भर हम वो डालेंगे इसके अंदर, ये चला गया। तो इससे हमारी चटनी का जो कलर है बहुत उम्दा सा आएगा, बस। अब इसको हम मीडियम हीट पे इतना पकाएंगे कि हमारे मैंगो जो हैं वो सही से गल जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको कवर कर देंगे और अपने पॉट को हम कवर कर देंगे और इसको हम 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे मीडियम हीट पे। जब ये पकने लगेगा तो मैं इसको लो फ्लेम पे कर दूंगी, ताकि इसी विनीगर और इसी शक्कर के पानी में इसको हमें मैंगो को गलाना है। और मैं आपसे फिर 10 मिनट में मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है शक्कर जो है जो हमने इसके अंदर डाली थी वो तकरीबन जो है घुल गई है बिल्कुल। और अब ये इसका जो इसके अंदर पानी है शक्कर का और ये मैंगो भी का तकरीबन गल ही गए हैं जो हमने डाले थे कच्चे। लेकिन अभी हमें इसका ये जो इतना सारा शक्कर का पानी निकला है और विनीगर तो नहीं करना है ड्राई, थोड़ा इसको हम ड्राई करेंगे। अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम और हाई के बीच में कर दिया है, तो इसको हम इसको ज़रा ड्राई करेंगे थोड़ा, और फिर हम इसको जो
मैश करने वाला जो स्पून आता है इसके साथ थोड़ा थोड़ा इसको मैश करेंगे, और फिर इसको हम इसमें जो हमारी कलौंजी है और ये सेसमी सीड है ये डालेंगे। तो इसको अभी हमें थोड़ी देर और पकाना है, तो जब ये ज़रा पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसके अगला स्टेप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका जो है पानी जो है वो तकरीबन जो है जो शीरा और वो सब बना था वो कम हो गया है ये देखिए, और हमारे मैंगो गार्लिक जो हम सब चीज़ें डाली थी वो भी गल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास मैश करने वाला स्पून है इससे हम थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे करके हल्का हल्का सा, सारा नहीं करेंगे कि बिल्कुल मुशी हो जाए, थोड़ा सा करेंगे बस इसके साथ, क्योंकि कुछ साबुत और कुछ वैसे पीसीस भी अच्छे लगते हैं चटनी में। और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आजकल मैंगो का सीज़न है, बॉटल बना के रख लीजिए और आपको बहुत मज़ा देगी। पराठे, दाल चावल और तहरी बनाइए उसके साथ, ये बहुत अच्छी लगती है। किसी तरह की खिचड़ी बना लीजिए, सबके साथ ये वाली चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। थोड़ा सा हमने ये किया, ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है, जो हमने इसमें पिंच भर कलर डाल दिया था येलो, और मैंने थोड़े मैंगो जो है उनको ऐसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, ज़्यादा मुझे आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको इसको ज़्यादा मैश करना पसंद है, ज़्यादा आपको करना चाहते हैं तो आप वैसे कर लीजिए, लेकिन मुझे ये चटनी ऐसे ज़रा थोड़ी साबुत साबुत चीज़ें नज़र आए तो अच्छी लगती है। अब हम इसके अंदर जो कलौंजी हमने 1 टीस्पून ली थी ये डाल देंगे, और हम आधा हम वो डालेंगे अभी सेसमी सीड। दोनों चीज़ें देखिए मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसकी भी खुशबू इसके अंदर ऐड हो के, यकीन करिए अदरक की और इसकी सबकी खुशबू, इतनी उम्दा खुशबू आ रही है इसमें से। अच्छा देखिए, मैं इसको अभी किसी प्याले में निकालूंगी डिश में, क्योंकि ये अभी गर्म है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद इसको आप किसी जार में भरिएगा, क्योंकि गर्म गर्म भरेंगे तो वो सही नहीं रहती है उसमें, और फिर उसको आप टाइट कर दें तो उसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। इसको थोड़ा ठंडा करके फिर क्लीन जार जो आपने सही से साफ़ किया हो और ड्राई हो उसके अंदर फिर आप इसको भर के रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम अपनी डिश में निकालते हैं, आपको दिखाने के लिए मैं निकालती हूँ कि इसकी लुक कैसा लग रहा है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए आज की हमारी रेसिपी मैंगो चटनी रेडी हो चुकी है, और आपने देखा कि इसकी कितनी ईजी रेसिपी है, और ये बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही अच्छी इसमें से अदरक की और सारी चीज़ों की खुशबू आ रही है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जल्द ही और लेके आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।